ठीक है, बाकी में बहुत बड़ा झोल कर दिया है इनने, अब कोई बेटिंग भी नहीं बता सकता कि मेरी 100 तक थी, नहीं तो आप क्लेम करते कि 100 तक बेटिंग, तो बहुत बड़ा इसमें स्कैम टाइप का लग रहा है, क्लियर है। और कट ऑफ तो बता ही रही है, इतनी हाई कट ऑफ तो चिल्ला चिल्ला के कह रही है, लेकिन इस बार सरकार ने आपको मूर्ख बनाने के लिए एक नया तरीका खोजा है, वो है आपको क्वालिफाइड लिख दिया गया है। अब आप क्या करोगे, रिजल्ट को स्टेटस पे लगाओगे, रिजल्ट को आप स्टेटस पे लगाओगे। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो बधाई भी दे देंगे कि चलो भाई बहुत अच्छी बात है आप क्वालिफाइड हो गए, तो क्वालिफाइड तो दुनिया है। लेकिन एक जो चालाकी सरकार ने की है वो ये की है कि वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की है, ना वेटिंग बताया है, तो सरकार जो है जो स्टूडेंट है उनको मूर्ख बनाने का काम कर रही है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। तो कई बच्चों का सवाल है कि सर जो क्वालिफाइड लिखा आ रहा है पटवारी में उसका क्या होगा, तो उसका सीधा सा सवाल का जवाब ये है कि ये जो साल है ये चुनावी ईयर है, बहुत ज़्यादा आईएएस आईपीएस भक्तिमय बैठे रहते हैं सरकार के पक्ष में, रिजल्ट जो है सटीकता से नहीं आया है और निश्चित रूप से कंफ्यूज करने वाला आया है। अगर मैं आपको स्क्रीन पर कुछ दिखा पाऊँ तो कुछ इस तरह का रिजल्ट आने लग रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कि क्वालिफाइड लिखा है बढ़िया तरीके से और तमाम तरह की चीज़ें लिखी हैं। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि ये जिन बच्चों का क्वालिफाइड आ रहा है उनका क्या होगा, क्योंकि इसके पहले क्या होता था, इसके पहले ये होता था कि अगर आप क्वालिफाइड हैं मतलब आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाइड हो गए। ये कब तक होता रहा है, ये साल 2023 के जितने भी रिजल्ट आए हैं उसमें यदि किसी बच्चे को क्वालिफाइड लिख दिया है तो वो फिर फिजिकल देने या जो भी उसकी सेकंड स्टेज है उस पर जाता है। इसके बाद आवकारी का रिजल्ट आया जिसमें क्वालिफाइड लिखा है प्लस आपकी वेटिंग भी दिखाई गई है। ये मेरे हिसाब से सबसे अच्छी प्रक्रिया थी, पहले के मुकाबले दूसरी सबसे अच्छी प्रक्रिया है कि आप क्वालिफाइड लिख दें प्लस उसमें वेटिंग बता दें कि इतनी है। लेकिन इस बार सरकार ने आपको मूर्ख बनाने के लिए एक नया तरीका खोजा है, वो है आपको क्वालिफाइड लिख दिया गया है। अब आप क्या करोगे, रिजल्ट को स्टेटस पे लगाओगे, रिजल्ट को आप स्टेटस पे लगाओगे। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो बधाई भी दे देंगे कि चलो भाई बहुत अच्छी बात है आप क्वालिफाइड हो गए, तो क्वालिफाइड तो दुनिया है। जिन बच्चों के 90 अंक से ऊपर हैं वो सब क्वालिफाइड हैं। अब सागर की कट ऑफ ये लिखी है, जो सागर शहर की कट ऑफ है वो ये गई है, अगर अनरिजर्व की बात करें तो ये, फीमेल की बात करें तो ये, एससी की बात करें तो ये, एससी फीमेल की बात करें तो ये, एसटी की ये, एसटी फीमेल की ये, ओबीसी की ये और ओबीसी फीमेल की ये। अब अगर आपके नंबर 120 हैं तो कहाँ पर आप सर्वाइव कर रहे हो, एसटी कैटेगरी में हो तो बात अलग है। तो इस तरह से ये जो मूर्ख बनाने का काम है वो सरकार कर रही है ताकि आप अपना रिजल्ट स्टेटस पे लगाओ। स्टेटस पे लगाओगे लोगों में एक अवेयरनेस जाएगी कि देखो कितनी सारी सरकारी नौकरी बीजेपी सरकार ने निकाली 5 सालों में, कितने सारे लोग क्वालिफाइड हुए पटवारी जैसे एग्जाम में। आप अगर देखो तो 90 अंक से ऊपर करीबन 70% से ऊपर बच्चों के हैं, 200 में से 90 अंक कोई बड़ी बात नहीं होती, मतलब 100 में से 45% अंक, तो उन सबको क्वालिफाइड लिखा है। लेकिन एक जो चालाकी सरकार ने की है वो ये की है कि वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की है, ना वेटिंग बताया है, तो सरकार जो है जो स्टूडेंट है उनको मूर्ख बनाने का काम कर रही है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। तो बढ़िया तरीके से आप उसको कवर में रख लो, कभी बच्चों को दिखाने के लिए हो जाएगा कि क्वालिफाइड हुए थे, ठीक है। बाकी कहते ना दिल बहलाने के लिए ये भी अच्छा है गालिब, कुछ इस तरह की कुछ शायरी है और यही वो बात है, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से आप पढ़ाई करते रहो, कुछ नहीं हुआ है। और क्वालिफाइड नहीं होता जिनका निकल गया है तो उनके में मेरिट लिस्ट आएगी, ये भी ध्यान रखो। अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो क्वालिफाइड लिखा नहीं आएगा, उसमें मेरिट लिखा रहेगा, ठीक है। करीबन 8-9 हज़ार लोगों को मेरिट लिखा रहेगा, तो जिनमें मेरिट लिखी है वो सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। बाकी में बहुत बड़ा झोल कर दिया है इनने, अब कोई वेटिंग भी नहीं बता सकता कि मेरी 100 तक थी, नहीं तो आप क्लेम करते कि 100 तक वेटिंग, तो बहुत बड़ा इसमें स्कैम टाइप का लग रहा है, क्लियर है। ये स्कैम टाइप का लग रहा है क्योंकि आप वेटिंग क्लियर नहीं कर रहे हो। अगर आप 100 वेटिंग बताओगे तो बच्चा वेट करेगा, शायद उसकी वेटिंग क्लियर हो जाए, लेकिन आपने कुछ नहीं बताया, सीधी मेरिट जारी किया और सबको क्वालिफाइड कर दिया, तो ये एक तरह का स्कैम किया है। मेरे हिसाब से इसकी जांच जरूर होना चाहिए और चीज़ें सामने निकल के आना चाहिए कि इतना घटिया तरीके से रिजल्ट जारी क्यों किया गया है।
क्लियर है। और कट ऑफ तो पता ही रही है, इतनी हाई कट ऑफ तो चिल्ला चिल्ला के कह रही है। बस ये है कि हमारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है या इतना पैसा धनबल नहीं है कि ये सारी चीज़ें हम सिद्ध कर पाए कोर्ट में या कुछ भी कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि इतने ज़्यादा नंबर, इतनी ज़्यादा कट ऑफ। क्योंकि अदर स्टेट, अब ये तो एमपी का है तो एमपी में जो सागर है वो काफ़ी कम रहा है, तो काफ़ी कम कट ऑफ दिखा रहे हैं, बाकी 162 165 तक गई है कट ऑफ। क्लियर है। चले तो ये सारी बातें थी, आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई में लगे रहो, एमपी पुलिस के बढ़िया बैच चल रहे हैं। यदि आपको करना हो तो ऑफलाइन बैच हम पढ़ाते हैं सुबह 7:30 से 11:30 बजे तक और शाम को 3:30 से 6:30 बजे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ग्रेट डे।